हालेलुया। जिस सिस्टर की गवाही बहुत बड़ी है और जिस सिस्टर का नाम परमजीत कौर है, इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिस सिस्टर की गवाही ये है कि जिस सिस्टर ने बताया है कि जे प्रभु में तो चलते थे, अदर चर्च जा रहे थे और किसी कारण जे पीछे कुछ समय बाद जे वहाँ पर नहीं गए, और क्योंकि इनके जाने का कारण ये था कि इनके ऊपर एक कंडीशन हालात आ गया था कि 6 महीने हो चुके थे कि इनके पाँव में एक छोटा सा जख्म था, वो जख्म धीरे धीरे बढ़ता गया, वो ठीक नहीं दौड़ा। उसका कारण था कि इनको शुगर की प्रॉब्लम थी और जो इनकी शुगर थी वो 500 से प्लस भी हो जाती थी, और जिसके कारण जब जख्म बढ़ता गया और जैसे जो डॉक्टर के पास जाते थे और जैसे जो ट्रीटमेंट करवा रहे थे और जो बताते कि जो बेड पर ही रहते थे, घर का कोई भी काम नहीं थे कर रहे और जो बहुत परेशान हो चुके थे इस जख्म के कारण, और जो बहुत बड़ा जख्म था। और जो सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर ने बताया इनको कि जो आपका जो पाँव है वो काटना पड़ेगा क्योंकि जो रेशा था वो ऊपर तक जा चुका था, इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुकी थी, और जिसके कारण डॉक्टर ने बताया कि आपका पाँव काटना पड़ेगा। और जो बहुत डर के और जब सिस्टर ने बताया कि जैसे इनको गुड न्यूज़ मिली और इस मिनिस्ट्री में आए और फर्स्ट संगति को अटेंड किया और लास्ट में इनकी मीटिंग प्रभु के दास के साथ हुई, और जैसे प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया और भी इनको पॉजिटिव नेगेटिव प्रेयर के बारे में बताया गया और विश्वास में बताया गया, और जैसे ही जो सिस्टर ने विश्वास किया और प्रभु के दास ने इनके लिए ले और प्रार्थना की। आओ हम इस क्लिप को देखते हैं। पूरी तरह से चल, चट्टान के जीवनों से निकल जा, चल फ्री। और जैसे इनके लिए ले हट प्रार्थना हुई और जो बताते हैं कि कुछ ही दिनों में जो जख्म बहुत बड़ा था वो बिल्कुल सूख चुका है, और जो बताते कि जो बेड के ऊपर से जे उठ भी नहीं सकते थे, काम नहीं कर सकते, जे बिल्कुल अच्छे हो चुके, अब अपने घर का काम भी करते हैं, और जे बताते कि अब जिस काम पर पहले जाते थे अब जे सिस्टर कुछ घरों का काम भी कर रहे हैं, आज भी जे काम कर आए हैं, और जे बहुत खुशी की परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको टोटली आजाद कर चुके। सुनो 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 सुनो, और ये छोटी बात नहीं है। बोलो क्या है ये छोटी बात है? किसी का पांव कट जाए ना, उसका जीवन कैसा हो जाएगा? हाँ, पूरी उम्र अपाइस, हाँ फिर तो वो बिसाकी के साथ चलेगा, हाँ जहां वो वॉकर के साथ के सहारे, जिसका पांव कट जाए। और सच में इन्फेक्शन की वजह के कारण, बोलो, क्योंकि पूरे पैर में रेशा भर गया और रेशा ऊपर चला गया, और जिसके कारण इनकी जो पैर की नसें हैं वो भी क्या होगी, इनकी पैर की जो नसें थी वो डॉक्टर ने बताया कि वो सुंगड़ चुकी थी। सुंगड़ मतलब सुंगड़ चुकी है, हां जैसे दबकी सुंगड़ चुकी है पूरी तरह, वो अभी काम नहीं करती, अभी इसका एक ही इलाज है, नहीं तो इन्फेक्शन अगर ऊपर और जाएगी तो क्या होगा, हां फिर अभी तो सिर्फ पांव, नहीं तो हो सकता कल को क्या करना, टांग को भी काट, ऊपर टांग को भी काटना पड़े। देखो परमेश्वर कितना महान है, बोलो क्या है, परमेश्वर कितना महान है जिसने अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया है। इससे पता चलता है कि उसने हमसे सच्चा प्रेम किया और वो सच्चा खुदा है। इससे पता चलता है कि उसने सच्चा प्रेम किया और वो सच्चा खुदा है जिस पर हम विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? जिस पर हम विश्वास करते हैं। और पहले संडे, क्योंकि ये पहले कहीं और चर्च में जाते थे, ये पहली मीटिंग में ही आए, और जब इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर किया तो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह में बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा से 2000 साल पहले उसने अपना जीवन क्रूस पर देकर हमें तमाम दुखों से छुड़ा लिया और बचा लिया। ये आपके लिए नहीं, हाँ ये आपके लिए, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं ना कि हमारे पापों को क्षमा करो, हमें चंगा करो, और ये बातें इनके मन में भी थी, और मैंने कहा नहीं, वो अपनी दया कर चुका और आपको चंगा कर चुका, बस आप विश्वास करो, अब फ्री हो। क्या हो आप? अब फ्री हो। ये आपके लिए हालात नहीं है, ये हालात आपके लिए नहीं है। और जैसे इन्होंने इस बात की अनुग्रह की बात को सीखा और विश्वास के साथ ये
अपने घर गए, हाँ? क्या गए? अपने घर गए, और परमेश्वर ने उसी दिन इन्हें शुआ और जो पांव इनका कटने वाला था, परमेश्वर ने उसे उस हालात से इन्हें फ्री किया, और आज कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई रेशा नहीं है। शुगर भी क्या होगी बताओ? शुगर भी परमेश्वर ने चंगा करता शुगर, हाँ। गोली छूट गई मेरी। लो जी, गोली भी छूट गई। पहले इन्होंने टेस्ट करवाया, पहले टेस्ट करवाया कि शुगर नॉर्मल हो गई। 500 से कम नहीं होती थी, अभी हाँ जी, गोली भी छूट गई और शुगर भी कम होगी, इन्फेक्शन भी गई, रेशा भी गया, वो नसें जो सुंगड़ चुकी थी, दबकी थी, सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया? सही कर दिया। इसलिए इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करते हैं, जोर से, जोर से। अगर आप विश्वास करते हो कि हम भी ऐसे ही गवाही के साथ आने वाले हैं, आमेन, आमेन, आमेन।